कुशल योद्धा हो पवन। मेरी ये इच्छा है कि तुम विजयी हो, परंतु जिसे तुम एकमात्र स्पर्धा समझ रहे हो वो मेरे लिए अपने जीवन को सार्थक करने का माध्यम है। मेरे लिए वो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। छोड़ो भूपन को इसी क्षण। तुम्हें आखड़ी की देखरेख का काम सौंपा था या मलयुद्ध करने का? क्या सिद्ध करना चाहते थे तुम? दादी, ये तो मलयुद्ध प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहता है। मगध का महायोद्धा बनना चाहता है। ये मेरा पुत्र बहुत सीधा है। इसे ये ज्ञाति नहीं है कि ये इस प्रतियोगिता के योग्य नहीं है। इसने आप सबके अभ्यास को बाधित किया है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आएगा मेरी मृत्यु का प्रतिशोध लेने अवश्य आएगा। हरि, मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूं, किंतु सत्य यही है कि तुम अब सुशीम का सामना करने योग्य नहीं हो। तो तुम कर पाओगे? इतने वर्षों के अभ्यास के पश्चात मेरा भाई तो उसके सामने टिक नहीं पाया। क्या तुम टिक पाओगे? बताओ। भूपन के पितामह ने एक समय अभ्यास करते वक्त उस मुग्धर को उठा के भूमि पे ऐसा पटका कि वह आधा अंदर धंस गया। बहुत से योद्धा आए लेकिन किसी ने भी अपने अस्तित्व से इस मुग्धर को हिला भी नहीं सका। Thank you.
क्षमा चाहता हूं आपसे। आपके पुत्र की रक्षा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। वो हम निर्बलों से रूठ तो सकता है, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र के साथ हुए अन्याय का बदला लोगे, उसे तुम न्याय दिलाओगे। अवश्य न्याय दिलाएगा। राजगीर से अब आपका पुत्र नहीं, मेरा पुत्र चंड जाएगा। कौन हो, कौन तुम? सत्य बताओ, कहां से आए हो? तुम्हारा पंजीकरण कर दिया गया है। आज तीसरे पहर तुम्हारा सामना मल्लू से होगा। दूसरे पहर समाप्त होने के पूर्व प्रवेश द्वार पर तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। विलंब मत करना। Thank you.
मेरे गुरु आचार्य चाणक्य के हत्यारे स्वतंत्र घूम रहे हैं, आपके साथ सम्मान मार रहे हैं, उन्हें दंड नहीं मिला। मेरी माँ को अपमानित किया उन्होंने, 10 वर्षों से माँ भटक रही है, मेरा अनुचित भटक रहा है, और मैं अशोक चंद बन गया। सबके उत्तरदायी आप, केवल आप महाराज बिंदुसार, केवल आप।